कोयला घोटाले में सीबीआई ने आज फाइनल जांच रिपोर्ट कोर्ट में दायर की है और मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल मुख्य आरोपी हैं। उनके साथ पूर्व कोयला राज्य मंत्री दसारी नारायण राव भी आरोपी हैं। कोर्ट ने जांच अधिकारी से कहा है कि वो 23 जनवरी तक सही फॉर्मेट में जांच रिपोर्ट तैयार करे। दायर की गई रिपोर्ट में गवाहों की लिस्ट और उनके बयान और सीएफएसएल की रिपोर्ट शामिल है। नवीन जिंदल पर आरोप है कि उन्होंने कोल ब्लॉक आवंटन के लिए सरकार को झूठी जानकारियां दी थी। जिंदल की कंपनी जीएसपीएल और गगन स्पॉन्ज आयरन प्राइवेट लिमिटेड को 2008 में अमरकोंडा मुर्गदंगल ब्लॉक मिला था और नवीन जिंदल पर गलत तथ्यों और दस्तावेजों के जरिए कोल ब्लॉक हासिल करने का आरोप लगा। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने जिंदल पर आईपीसी की धारा 120 बी आपराधिक साजिश और 420 धोखाधड़ी के आरोप तय किए थे और सीबीआई ने नवीन जिंदल समेत 15 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिसके बाद सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 10 लोगों और 5 कंपनियों पर आरोप तय किए थे।